सत श्री अकाल जी सारे किसान वीरां नूं ते यूट्यूब फार्मर चैनल दे तुहाडा सब दा स्वागत है। सो अज दी इस वीडियो विच आपां गल करांगे 11 21 ते 17 18 बासमती किस्मां दी कि इन्हां दोनां दे मौजूदा समें विच की भाव चल रहे ने ते आउण वाले समें विच किहड़ी किस्म दे भाव ज़्यादा मिलण दे आसार ने। ते उस तो पहलां जेकर आपां हुण मौजूदा समें विच देखिए तां हुण लगभग पंजाब ते हरियाणा ते वख-वख होर मंडियां विच 11 21 दे जो भाव ने उह 2300 तों लै के 2500 दे दरम्यान लगभग चल रहे ने वख-वख मंडियां विच। इहदे विच 100 तों 50 दी इधर उधर मंडियां दे हिसाब नाल बाकी क्वालिटी दे हिसाब नाल रेट लगदा है तां कुल मिला के कहीं तां 2300 तों 2500 दे दरम्यान बासमती 11 21 दे रेट चल रहे ने। ते दूजे पासे 17 18 दी गल करिए तां 17 18 इस बार 11 21 तों थल्ले चल रही है लगभग 150 तों 200 रुपए ते 2300 2200 इत्थे 17 18 का भाव चल रहा है वख-वख मंडियां दे विच। तो उसका कारण यह है कि व्यापारियों ने दसिया कि 11 21 क्वालिटी उसकी ज़्यादा वधिया 17 18 नालों। सो जिस करके 17 18 के नालों 11 21 का भाव 150 तो लैके 200 या कुछ इलाकों में 250 रुपए तक ज़्यादा विक रहा है। तो आने वाले समय में भी यही आसार दिख रहे हैं कि 11 21 का भाव 17 18 नालों ज़्यादा रहने के आसार ने। तो हो सकता है कि आने वाले समय में 11 21 का भाव 3000 के करीब जा सकता है तो उत्थे ही 17 18 का किस्म का भाव 2500 तो लैके 2700 रुपए तक ही जाने के आसार जो हुण वेले नज़र आ रहे हैं। पर जेकर यह भी आपां नूं आसार बन रहे हैं कि जेकर आने वाले समय में व्यापार खुलता है पंजाब ते भारत दे विचों निर्यात हुंदा है बासमती चौल दा होर मुल्कां नूं तां उस दे नाल किसानां नूं लाभ हो सकदा है ते भाव हो सकदा है कि चंगे भी मिल सकदे ने। पर जो हुण दे मौजूदा हालात जो नज़र आ रहे तां उस दे मुताबिक आउण वाले समें विच आपां नूं 200 तों 300 तक की तेजी देखण नूं मिल सकदी है पर कोई ज़्यादा वड्डी तेजी आउण दे आसार नहीं हन क्योंकि इस वेले व्यापार लगभग सारे ठप्प होए हुए हन। सो जिस करके बासमती किस्मां लगाउण वाले किसान इस वेले काफ़ी चिंता दे विच डुब्बे हुए नज़र आ रहे हैं। सो बाकी जिवें भी समय के हिसाब नाल जानकारी आउंदी रहेगी भाव दे संबंधी जां होर भी कोई खबर आवेगी आपां तुहाडे लई लैके हाजिर हुंदे रहांगे। सो लगातार चैनल यूट्यूब फार्मर नाल बने रहो तां जो हर खेतीबाड़ी किसानी संबंधित जानकारी तुहानूं मिलदी रहे।